क्या कर्नाटक चुनाव के बाद मध्य प्रदेश के चुनाव में बजरंग बली की एंट्री हो गई है? इस वक्त ये सबसे बड़ा सवाल इसलिए भी बना हुआ है क्योंकि कर्नाटक में जहां हनुमान नाम से परहेज था, तो मध्य प्रदेश में कांग्रेस अपने आप को सबसे बड़ा हनुमान भक्त बता रही है। आज अचानक हनुमान जी का जिक्र मध्य प्रदेश के चुनाव में कहां से आ गया? मध्य प्रदेश में अब ऐसा क्या हो गया जो कांग्रेस और बीजेपी खुद को सबसे बड़ा हनुमान भक्त बताने की होड़ में लग गई है? अब सवाल सामने वाले की भक्ति पर भी उठाए जा रहे हैं। कर्नाटक चुनाव में बजरंग बली एक बड़ा सियासी मुद्दा बनाए गए थे, अब मध्य प्रदेश के चुनाव में भी कुछ ऐसी ही आहटें सुनाई दे रही हैं। हिंदुत्व की राह पर निकले कमलनाथ के गढ़ में बीजेपी ने एक बड़ा सियासी दांव खेला। 40 साल से कांग्रेस का अभेद किला माने जाने वाला छिंदवाड़ा इतिहास बदलने यहां पर बीजेपी निकल पड़ी। कैसे मिला है हनुमान जी का सहारा, आप इस रिपोर्ट में देखिए। छिंदवाड़ा में बनेगा भव्य हनुमान लोक। कमलनाथ के गढ़ में हनुमान भक्त शिवराज। कांग्रेस बीजेपी में छिड़ा सियासी विवाद। किसके साथ हनुमान जी का आशीर्वाद? ये तस्वीरें छिंदवाड़ा के जाम सावली मंदिर की है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने भव्य हनुमान लोक की आधारशिला रखी। कमलनाथ के गढ़ में इसे बीजेपी का मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है। कांग्रेस पूछ रही है कि विधानसभा चुनाव के दौरान ही बीजेपी को हनुमान क्यों याद आए हैं? क्या ये वोट बैंक की राजनीति है? कमलनाथ के मजबूत किले छिंदवाड़ा में शिवराज की हनुमान भक्ति के मायने क्या हैं? जिस हनुमान लोक का आज सीएम ने भूमि पूजन किया, जब वो बनकर तैयार होगा तो वो कैसा दिखेगा, कितना सुंदर होगा? राम भक्त हनुमान की कैसी छवि इसके कॉरिडोर में नजर आएगी? एक एक कर आपको सब बताएंगे, लेकिन पहले आपको बताते हैं कि बीजेपी का हिंदुत्व को लेकर क्या रोड मैप रहा है। हिंदुत्व के दम पर बीते 18 सालों से मध्य प्रदेश की सत्ता पर काबिज बीजेपी ने पहले ही धार्मिक स्थलों के निर्माण का रोड मैप तैयार कर लिया था। आंकड़ों पर नजर डालें तो इसकी शुरुआत होती है 11 अक्टूबर 2022 में उज्जैन महाकाल महालोक के उद्घाटन से। इसके बाद ओंकारेश्वर में अद्वैत वेदांत धाम, ओरछा में राम राजा लोक, चित्रकूट में वनवासी राम लोक, इंदौर में परशुराम लोक, सलकनपुर में देवी लोक और महेश्वर में देवी अहिल्याबाई लोक। 2023 के विधानसभा चुनाव और 2024 का लोकसभा चुनाव, हमेशा चुनावी मोड में रहने वाली बीजेपी ने हिंदुत्व का सॉलिड रोड मैप तैयार किया है और उसी की अगली कड़ी की तस्वीर है ये हनुमान लोक। जाम सावली मंदिर में 35 करोड़ से कॉरिडोर का निर्माण होने जा रहा है। 18 महीने में ये कॉरिडोर बनकर तैयार होगा। 6 फेज में कॉरिडोर का काम होने वाला है। फर्स्ट फेज में 35 करोड़ की लागत आएगी। मंदिर परिसर के पास 30 एकड़ जमीन डेवलप की जाएगी। मंदिर कॉरिडोर निर्माण को लेकर सियासी गलियारे में तेज हलचले हैं। कांग्रेस ने इसे बीजेपी का चुनावी स्टंट बताया है। कमलनाथ को सबसे बड़ा हनुमान भक्त बताया जा रहा है। इसके लिए छिंदवाड़ा के सिमरिया में 101 फीट ऊंची हनुमान जी की मूर्ति बनाने का हवाला दिया गया। ये भी दावा किया गया कि जैसे कर्नाटक में हनुमान जी ने कांग्रेस का साथ दिया, मध्य प्रदेश में भी हनुमान कांग्रेस का साथ देंगे। देखिए, सब चुनावी इवेंट मैनेजमेंट है। अगर हनुमान लोक की बात करो तो कमलनाथ जी ने पहले ही वहाँ सिमरिया में 101 फीट की मूर्ति हनुमान जी की वहाँ प्राण प्रतिष्ठा कराई है। इससे बड़ी कोई हनुमान जी की प्रतिमा पूरे प्रदेश में है नहीं। और हनुमान जी कमलनाथ जी के साथ हैं और वहाँ सिद्ध कर दिया
कर्नाटक में कि हनुमान जी कांग्रेस साथ थे, इसलिए कांग्रेस की वहां सरकार बनी है और वहां से सीधे आ गए वाया छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश में और कांग्रेस के साथ हैं। और ये केवल इनका प्रयोजन केवल एक ही है कि जो महाकाल लोक में जिस तरह का भ्रष्टाचार हुआ, सात सिप्त ऋषि की मूर्तियां ढह गई, लंबा भ्रष्टाचार हुआ, किया का शुरुआत कांग्रेस ने अपने नाम से लिखा रहे हैं, तो ये सब भ्रष्टाचार के नमूने हैं कि नारियल लेके चलो, नारियल फोड़ दो, होना जाना कुछ नहीं है। जो कुछ भी होगा मध्य प्रदेश में हनुमान लोक और कुछ बनना है तो ये सब कितने भूमि पूजन वो फोड़ देंगे करेंगे, तो ये कांग्रेस की सरकार बनेगी कमलनाथ जी की। 114 में बार बार कहता हूँ नहीं, 174 ज्यादा सीटें आएंगी जिसे कोई खरीद फरोख नहीं कर पा। हनुमान जी किसके साथ हैं? हनुमान जी आ चुके हैं, कमलनाथ जी साथ हैं, कांग्रेस साथ है और ये उन्होंने प्रूव कर दिया कर्नाटक में। तो फिर अभी तो ये हनुमान लोक का इतना बड़ा कर रहे, तो शिवराज ये केवल इवेंट मैनेजमेंट है और कैसे इसके माध्यम से लंबा भ्रष्टाचार किया है जैसा महाकाल लोक में किया था, इसके अलावा कोई इनका प्रयोजन नहीं। हनुमान जी आपके साथ? हनुमान जी बिल्कुल कांग्रेस साथ है, हमारे साथ। कांग्रेस के वार पर बीजेपी ने भी करारा पलटवार किया। शिवराज के कैबिनेट मंत्री विश्वास सारंग ने सीधा सीधा सवाल पूछा कि आखिर हनुमान मंदिर के निर्माण से कांग्रेस के पेट में दर्द क्यों हो रहा है? वो हनुमान लोक के माध्यम से ही होगा क्या कमलनाथ जी? हनुमान जी महाराज की भक्ति, राम जी की भक्ति तो हम पहले से करते हैं, इसको आप चुनाव से जोड़कर क्यों देख रहे हो? उस स्थान पर हनुमान जी महाराज साक्षात विराजमान है और यही नहीं, काशी विश्वनाथ का कॉरिडोर बना, महाकाल बाबा का लोक सज गया, सरकनपुर वाली माई का दरबार सज रहा है, ओमकारेश्वर में हमारा अध्यात्म का जो तीर्थ है उसका उन्नयन हो ही रहा है, अब हनुमान जी महाराज के लोक का भी निर्माण होगा, कांग्रेस के पेट में दर्द क्यों हो रहा है? छिंदवाड़ा में था कांग्रेस का कहना 101 फीट ऊंची जो प्रतिमा है वो उन्होंने ही बनवाई है, बाबा बागेश्वरी कथा हुई है। ये घमंड किसी का नहीं चला। अब ये कह रहा है मंदिर हमने बनवाया, ये कह रहा है हनुमान जी की मूर्ति हमने लगवाई, यही तो दिक्कत है। जो असली बेसिक भाव भावना मन और मस्तिष्क में जो गलत बातें भरी है उसी का परिणाम है, कहते हैं हमने किया, अरे आपने कुछ नहीं किया भाई, ये मंदिर बनाने की क्षमता किसी में नहीं है। जब भगवान की कृपा होती है तो भगवान स्वयं आदेश देता है। कमलनाथ जी और कांग्रेस के नेता इस घमंड में ना रहे कि उन्होंने मूर्ति लगवाई। एक आखिरी है सवाल की, उन्होंने कहा है कि कांग्रेस जो हनुमान जी का आशीर्वाद है ना वो कर्नाटक के थ्रू उनको मिल चुका है वाया छिंदवाड़ा, ये कहना है कि हनुमान जी उनके साथ है आपके साथ? देखिए, अब मेरा ये कहना है कि भगवान जी के मामले में मैं विनम्रता के साथ इस तरह की टिप्पणी नहीं करना चाहता। मैं भगवान को भगवान मानता हूँ, मैं राजनीति में भगवान को घसीटना नहीं चाहता हूँ। कभी महाकाल में जाकर एक चिट्ठी दे देना, गिमिक्स करना, चुनाव में भगवान का उपयोग करना, वैसे तो भगवान का याद नहीं आएगा,